खामन के साथ अच्छा बर्ताव करे। जब ये दोनों एक दूसरे के हकों को समझ लेते हैं, मर्द अपनी बीवी के, बीवी अपने खामन के हकों को और उसकी जरूरियात को। हमारे बड़ों ने लिखा है कि जो बीवी अपने शौहर की जरूरियात को सबसे पहले समझती है कि मेरे शौहर को घर आने के बाद पहली चीज क्या पसंद है, कि मैंने उसके आगे इस्तकबाल दरवाजे पे करना है, सबसे पहले उसे पानी देना है, फिर उसके लिए खाने का इंतजाम करना है, फिर बिस्तर लगाना है, आराम के लिए उसे गम की खबर नहीं सुनानी, उसे मूड ऑफ करके बात नहीं करनी, बल्कि उसे राहत का सबब पैदा करने हैं। जो औरत अपने खामन का इतनी एहतराम करती है, ख्याल करती है, इस खामन का कभी बीवी के साथ झगड़ा नहीं होता। और जो खामन अपनी बीवी के जरूरियात को सबसे मुकद्दम रखता है, उसकी लिस्ट जरूरियात की जेब में डाल के नहीं फिरता, कि बल्कि उसकी जरूरियात को पहले ला के उसके हवाले करता है, उससे एहसास होता है उसकी बीवी अपने खामन से कभी झगड़ा नहीं करती। ये इत्तेफाक और मोहब्बत एक दूसरे को समझने के बाद ये नसीब हो जाता है। वगर ने फरमाया, एक औरत अगर शौहर को नाराज करके सो जाए तो सारी रात अल्लाह की लानत इसके ऊपर बरसती है। एक औरत अगर अपने खामन से उसकी तबीयत के मिजाज के खिलाफ अमल करे, अल्लाह इसके नाराज, अल्लाह के हबीब इससे नाराज, फरिश्ते भी इसके ऊपर लानत बरसाते हैं। और मैं जो औरत अपने खामन के चेहरे पे मोहब्बत की नजर डाल दे और मोहब्बत की नजर डालने का नतीजा क्या निकलता है कि अल्लाह पाक इसके बदले में इस खातून की सारी खताओं को माफ कर देते हैं। कि तूने वो नजर मोहब्बत वाली अपने शौहर पे डाली और किसी गैर को नहीं देखा। कयामत के दिन बदनजरी का अंजाम खवातीन भी सुन ले, तुम जवान बूढ़े भी सुन लो, कि जिसने अपनी नजर को राह चलते चलते बचा लिया, समझ लो इसके सीने में मार्फत का नूर दाखिल हो गया। तुमने अपनी नजर को बचाया, रब ने तुम्हारे सीने को नूरे मार्फत से भर दिया, क्योंकि शैतान के तीरों में से पहला तीर, पहला हथियार ये नजर और बद नजरी है। इसके जरिए शैतान तुम्हारे अंदर के कोठे को वीरान करता है।